हेलो गाइस स्टार्ट करते हैं नई वीडियो ट्वेंटी एट फिट बाई फोर्टी फाइव हाउस प्लान वन थाउजेंड टू हंड्रेड सिक्सटी फोर बी के हाउस प्लान है तो यहीं पे क्या क्या मिल जाएगा वो भी आपको धीरे धीरे हम बताएंगे तो इसका इसमें आपको इंक्लूडिंग कार पार्किंग भी मिल जाएगा स्टेयर हॉल के साथ तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को तो यहीं पे जो वॉल है आउटसाइड का वॉल फाइव इंच नाइन इंच का वॉल है और इनसाइड का फाइव इंच का वॉल है तो वॉल ड्रा कर लेंगे तो इस तरफ का वॉल आपको वाइट करना है और यहीं पे फोर बेडरूम है फोर बेडरूम में दो साइड विंडो प्रोवाइड कर दे रहा हूँ अगर आपका पॉसिबल होगा तो दो साइड रखिएगा अगर पॉसिबल नहीं है तो सिंगल साइड विंडो प्रोवाइड कर दीजिए ये पे किचन है किचन ये पे ओपन किचन रखा है और डाइनिंग हॉल को उसके साथ अटैच कर दिया यहीं तो पे एक कॉमन टॉयलेट है एक अटैच टॉयलेट है तो इस तरफ का इसका पोजीशन है इस तरफ उसका पोजीशन रखा है और इस तरफ को इसको रखा है विंडो यहीं पे बेडरूम है और यहीं पे देखिए ख़ास बात है यहीं पे स्टेयर हॉल भी इसका साथ इंक्लूडिंग है तो यहीं पे कार पार्किंग रखा है कार पार्किंग प्रोवाइड किया तो ये हो गया टोटल लेआउट तो इसके साथ अभी देखिए यहीं पे जो विंडो छोड़ा है इसको कलर कर देते हैं इसको कलर नहीं करने से आपको जो ड्राइंग है अच्छा नहीं लगेगा तो आपको समझने में थोड़ा सी दिक्कत होएगा तो इसको इसलिए अलग अलग कलर वाइट कर दे रहा हूँ तो पहले जो ड्राइंग है उसको क्लियर करके समझाना है तो उसके बाद आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा यहीं पे भी विंडो है तो आप देख सकते हैं यहीं पे जो बेडरूम है आप असल से समझ सकते हैं बेडरूम किधर किधर बेडरूम है यहीं पे यहीं पे यहीं पे यहीं पे, पे चार बेडरूम यहीं चार दिशा में लगाया है और यहीं पे एक बेडरूम के साथ यहीं पे अटैच बेल्कनी भी है देखिए बेल्कनी का रेलिंग आएगा यहीं पे ठीक है तो ये बेलकोनी का रेलिंग है इसको हाईलाइट कर देते हैं इस हाईलाइट कर दिया इसको और यहीं पे मेन डोर इस तरफ भी रखा है इस तरफ भी रखा है अगर आपका इस तरफ का पॉसिबल नहीं है तो इस तरह एक बेड एक डोर आप क्लोज कर सकते हैं तो इसका देखिए मैं यहीं पर यहीं एक डोर को मैंने क्लोज़ कर देंगे अभी यहीं पे विंडो लगा देंगे एक यहीं पे एक विंडो दे देंगे तो क्या होगा ये जो कार पार्किंग है कार पार्किंग का इधर से इसका एंट्री रह जाएगा तो यहीं पे कार पार्किंग है यहीं पे कार पार्किंग उसके बाद यहीं पे यहीं पे यहीं पे आ जाएगा हाँ यहीं पे आ जाएगा डोर मेन डोर यहाँ पे मेन डोर है और स्टीयर जो हॉल है इस तरफ ऑफ है इस तरफ डाउन है और ये जो विंडो है बेडरूम का विंडो डब्लू वन रख दिया ये भी डब्लू वन है डब्लू वन है डब्लू वन डब्लू वन ये वेंटिलेशन है ये भी वेंटिलेशन है तो यहीं पे देखिए जो मेज़रमेंट है ये सिक्स फीट का वीद है और इस तरफ थ्री फीट है और स्टेयर का लेंथ थ्री फीट इस तरफ भी थ्री फीट रह जाएगा उसके बाद यहीं पे आ जाएगा बेडरूम यहीं पे बेडरूम यहीं पे बेडरूम हो गया उसके बाद ये बेडरूम के साथ यहीं पे अटैच बेलकोनी यहीं पे अटैच बेलकोनी है तो इस तरफ ट्वेंटी एट फिट जो है चौड़ाई है और फोर्टी फाइव फिट इसका लेंथ है तो कार पार्किंग का साइज़ ट्वेल्व फिट एट इंच इस तरफ आ जाएगा और इस तरफ टेन फीट आ जाएगा टेन फीट चौड़ाई है और बालकनी यहीं पे फोर फीट बाई टेन फीट फाइव इंच चौड़ाई है और ये बेडरूम का साइज़ इस तरफ आएगा नाइन फीट एट इंच और इस तरफ टेन फीट, उसके बाद यहीं पे बेडरूम है यहीं पे भी बेडरूम है ये बेडरूम का साइज चौड़ाई जो है टेन फीट है और लेंथ ट्वेल्व फीट टेन बाई ट्वेल्व का बेडरूम है और यहीं पे हॉल है इस तरफ डाइनिंग टेबल को सेट किया तो ये हॉल का इस तरह से इतना दूर तक आ जाएगा नाइनटीन फीट थ्री इंच और इधर से इतना दूर तक आ जाएगा सिक्सटीन फीट वन इंच तो इसके अंदर ही यहीं पे किचन किचन को रखा है ओपन किचन पे ओपन किचन है तो किचन का साइज एट फीट नाइन इंच इस तरफ और इस तरफ फोर फीट सेवन इंच फोर फीट सेवन इंच मिलेगा यहीं पे कॉमन टॉयलेट है कॉमन टॉयलेट का साइज फोर फीट बाई एट फीट अटैच टॉयलेट यहीं पे बेडरूम के साथ इसका भी सेम है एट फीट बाई फोर फीट यहीं पे बेडरूम है इसका ढोर इस तरफ है बेडरूम फोर्टीन फीट बाई टेन फीट काफ़ी सबसे बड़ा बेडरूम यही है मास्टर बेडरूम और यहीं पे भी बेडरूम है इस तरफ बेडरूम का डोर रहेगा तो इसका साइज आएगा ट्वेल्व फीट टू इंच बाई इस तरफ टेन फीट इस तरफ आएगा टेन फीट तो ये हो गया टोटल मेजरमेंट तो यहीं पे आपको कॉलम प्रोवाइड करना है तो कॉलम किधर प्रोवाइड करना है दोस्तों तो यहीं पे कॉलम प्रोवाइड करने के लिए यहीं मैंने रेड डॉटेड कर दे रहा हूँ इसके अंदर आपको कॉलम प्रोवाइड करना है नाइन इंच बाई नाइन इंच का कॉलम यहीं पे प्रोवाइड करेंगे तो इस तरफ आएगा ये बेडरूम में आएगा यहीं पे आएगा यहीं पे देंगे यहीं पे यहीं पे कैंटिलीवर कर देंगे यहीं पे आएगा यहीं पे आएगा स्टेयर है तो इसको भी यहीं पे फाइट करना है और इसका सीधा यहीं पे आएगा तो विंडो को डिवाइड कर देंगे अगर नहीं तो सेफ्ट शिफ्ट कर देंगे थोड़ा इधर उधर तो इसका सीधा यहीं पे दे देंगे तो ये हो गया कॉलम लेआउट वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन एट्टीन नंबर ऑफ कॉलम सिक्सटीन सॉरी एटीन साइज नाइन इंच बाय नाइन इंच जी प्लस वन इसको हम बनाएंगे तो इसका जो बिल्डिंग कॉस्ट है बिल्डिंग कॉस्ट आएगा फिफ्टीन लैक्स खोर से पे आएगा ओनली ग्राउंड फ्लोर कंप्लीट करने में तो खत्म करते हैं यहीं पे दोस्तों वीडियो को थैंक यू